मेरा नाम है सर रवि रंजन मिश्रा। रवि रंजन मिश्रा, ये महाबोधि मंदिर का जो टॉप देख रहे हैं, जो कलश देख रहे हैं, वो 289 केजीस ऑफ गोल्ड है ये, जो 2013 में आज से 10 साल पहले थाईलैंड का राजा के द्वारा ये सोना दान दिया गया था। लेकिन 2013 के पहले वहाँ पे कोई गोल्ड नहीं लगे हुए थे। ओके, ये 2013 में दिया गया है थाईलैंड का जो राजा थे भूमिपाल उनके द्वारा, और 2002 में यूनेस्को के द्वारा ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था महाबोधि टेम्पल, और 2016 में नालंदा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुए थे। तो नालंदा इतना लेट डिक्लेयर हुआ? जी, 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुआ था, और 2002 में महाबोधि टेम्पल वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुए थे। तो बुद्धिज्म में जो फोर प्लेसेस है ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। नेपाल का लुम्बिनी वन, जहाँ पे सिद्धार्थ का जन्म हुआ था 563 BC में, बौद्ध गया ये अति पवित्र स्थल है, सिद्धार्थ यहाँ पे 528 BC में ज्ञान प्राप्त करके वो सिद्धार्थ यहाँ बुद्ध बन गए थे, और उनका जो उपदेश है, उनका जो टीचिंग्स है, वो पूरा वर्ल्ड में गया। और सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिए थे, फर्स्ट सेरमन दिए थे सारनाथ में। और कुशीनगर, ये भी यूपी में है, गोरखपुर के पास, जहाँ पे एट द एज ऑफ 80 ईयर्स भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। तो 563 BC में जन्म हुआ, 528 BC में ज्ञान की प्राप्ति हुई, 534 BC में गृह त्याग किए, और 483 BC में कुशीनगर, ये यूपी में है, गोरखपुर के पास, जहाँ एट द एज ऑफ 80 ईयर्स उनका आपने कितनी जगह बताया? लुम्बिनी एक लुम्बिनी बताया, दूसरा बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर एक रह गया है। कुशीनगर ये गोरखपुर के पास है, जहाँ पे 80 ईयर्स का एज में उनका महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। एट द एज ऑफ 29 ईयर्स ये राज पाठ सब त्याग के निकले, और लगभग 2700-2800 वर्ष पहले सिद्धार्थ यहाँ पे आए थे, और उस समय ये बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था, ये जंगल का नाम था उरुवेला, और इसी को कहते थे मगध साम्राज्य। तो उस समय ये मगध का राजा थे बिंबिसार, और भगवान बुद्ध के 300 साल बाद ये मगध का राजा हुए सम्राट अशोक। तो यहाँ तक ये जो स्तूप आप देख रहे हैं, ये जो फ्रंट लेवल है, कौन से की बात कर रहे हैं? ये जहाँ पर वो लाइन से वो छोटे छोटे स्तूप बने हुए हैं। ओके, हाँ ठीक है। एंड द फोर टावर्स ऑन द फोर साइड्स, दो टावर आगे में है, हाँ, और okay. दो टावर इसके पीछे उसके पीछे हैं जो दिख नहीं रहे, और ये बीच वाला हिस्सा। ओके, तो ये 2nd to 3rd century BC का बना हुआ है, जो अशोका ने बनवाए थे, ये 2500 ईयर्स ओल्ड है। 2nd to 3rd century BC में अशोका, द ग्रेट मौर्यन एम्परर अशोका ने इसका बेस निर्माण किया था, और इसका ऊपर का पार्ट 150 feet गुप्ता एम्परर समुद्रगुप्त राजा निर्माण किए थे 6th to 7th century AD। तो ऊपर का जो पार्ट है वो 1800 ईयर्स ओल्ड है, लगभग 1800 ईयर्स ओल्ड है। ये नीचे का पार्ट ये 2500 ईयर्स ओल्ड है। ओके, दो फेजेस में बनाया गया नीचे का अशोका ने। टू डिफरेंट किंग्स एंड टू डिफरेंट पीरियड्स, 2nd to 3rd century BC एंड 6th to 7th century AD। ओके, तो इसकी हाइट 180 फीट है, 52 मीटर्स 12th सेंचुरी में बख्तियार खिलजी यहाँ आया था। बख्तियार खिलजी ने सबसे पहले नालंदा यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी में आग लगा दिया था, जो कि वो विश्व का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था वो, और विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ पे लगभग 10,000 विद्यार्थी होते थे और 2,000 शिक्षक होते थे उनको पढ़ाने के लिए। जब बख्तियार खिलजी ने आग लगाया था उसमें, तो लगभग 6 महीना तक उसमें आग लगा रहा, इतने बुक्स रखे हुए थे। यहाँ आने के बाद स्तूपा को ऊपर से 30 फीट वो खंडित कर दिया, ब्रेक कर दिया, जो ऊपर में वो पीला रंग का दिखता है, हाँ, जो सोने का है, हाँ, नहीं ऊपर में हल्का वो पीला रंग का दिख रहा है, कौन सा? और
वो जो हिस्सा है ना वो ओके हल्का वो येलो कलर का दिख रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, मुझे समझ में आया कौन सा। ठीक है, ऊपर से वो 30 फीट ब्रेक कर दिया था, डिस्ट्रॉयड कर दिया था, और जितना भी इसमें बुद्ध का मूर्ति था सभी मूर्ति को खंडित कर दिया था। और ये जो नीचे का जो हिस्सा अशोका बेस बनवाए थे इसको मिट्टी से वो ढक दिया था। तो 600 साल ये मिट्टी के अंदर ये ढका रहा है, लेकिन 1876 में 1876 में यहाँ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट आए कनिंघम। तो कनिंघम ने इस जगह का उत्खनन किए, ये पूरा उत्खनन करके निकाला गया, और लॉर्ड कनिंघम के द्वारा 1883 में इसका जीर्णोद्धार किया गया। अभी अशोका पिलर दिखाता हूँ, आइए। यहाँ से लगभग आपको 85 किलोमीटर का दूरी पे सर 85 हाँ राजगीर है। राजगीर भी बहुत काफी सुंदर जगह है, जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, पहला बौद्ध संगति राजगीर में ही हुए थे। ओके, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वहाँ पे सप्तरणी गुफा है, वहाँ पे राजगीर में हुए थे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे वो वैशाली में हुए थे, वैशाली में। थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे वो पाटलिपुत्र पटना में हुए थे, और फोर्थ जो लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुए वो कश्मीर का कुंडल वन। ओके, उस समय बुद्धिज्म दो भागों में बट गया था, हीनयाना महायाना बुद्धिज्म। ओके, और मतलब क्या है दोनों का? हीनयाना जो थेरावादा बुद्धिज्म है वो चला गया आपका साउथ ईस्ट एशिया में। ओके, और जो महायाना बुद्धिज्म है वो चला गया आपका इधर नॉर्थ ईस्ट, लद्दाख, तिब्बत, भूटान। ओके, उसी समय से बुद्धिज्म में मूर्ति पूजा वगैरह जो है उनका ऑफरिंग्स रिचुअल्स ये सब शुरू हुआ बुद्धिज्म। ओके, दो भागों में बुद्धिज्म बटा उस समय, और उस समय तो मूर्ति भगवान बुद्ध का बनना शुरू हो गया। Okay. और सबसे ज्यादा बुद्ध का यदि मूर्ति बना है तो 9th to 10th century AD में। 9th to 10th century AD पहला पीरियड। ओके, नहीं चाहते थे कि मेरा मूर्ति बने, और सबसे ज्यादा मूर्ति बुद्ध का ही बना। ओके, ये देखिए आप कितने अच्छे से बना है, ये मानी सो का प्रेर हो रहा है बुद्ध के लिए। ये वियतनामी लोगों का प्रेयर चल रहा है। हाँ, ये वियतनामी लोग हैं जो प्रेयर कर रहे हैं। ओके, यहाँ का जो पीक सीजन होता है वो अक्टूबर से मार्च तक, तो जब थोड़ा ठंडा रहता है। हाँ, वेदर बहुत अच्छा होता है, ठंडी का मौसम होते हैं, तो इस समय ज्यादा लोग यहाँ आते हैं। अभी हम लोग अशोका पिलर के पास जा रहे हैं। ओके, मजा लगा था सबसे पहले ये अशोका पिलर। हाँ, यही है, यही है। ओके, इसके ऊपर का हिस्सा टूट चुके हैं क्या? जब अख्तियार खिलजी आया था। ओके, अरे क्या टाइम पास है। हाँ वो तो जस्ट एक मिनट नंगे पैरों ना। यही है सर अशोका पिलर, जो 2nd to 3rd century BC में मौर्य एम्परर अशोका बनवाए थे,
तो बाद में इस लोहे का ग्रिल से घेर दिया गया ताकि लोग टच ना करें, टच ना करें, बट इसके ऊपर रिपेयर वर्क हुआ है क्या? हाँ, इसका रिपेयरिंग केमिकल वॉश होते रहते हैं। ये इसके ऊपर वो शेर वाला वो चिन्ह बना हुआ था, लेकिन जब बख्तियार खिलजी आया था तो इसको डिस्ट्रॉयड कर दिया था वो। तो ओके, इसका ऊपर का वो शेर वाला जो चिन्ह है वो कलकत्ता का इंडियन म्यूजियम में रखा हुआ है। ओके, वहाँ रख दिया। और हमारा इंडिया का जो नेशनल जो एम्बलम है जो सारनाथ में, वो सारनाथ के इसमें है, वहाँ से देखा मैंने। तीन प्लेसेस हो गए हैं? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ मेरे तीन प्लेसेस हुए हैं, लुम्बिनी, सारनाथ, ये अभी जो आपने और एक बताया था यूपी खुशीनगर, वो नहीं हुआ है। वो हो जाएगा, तो समझिए आपका पौधों का जो तीर्थ स्थल है वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। भगवान बुद्ध का सिक्स्थ वीक मेडिटेशन करने का जगह है। जब उनको बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई थी, तो एक्चुअली भगवान बुद्ध यहाँ पे 7 सप्ताह ध्यान किए हैं, ये महाबोधि मंदिर के प्रांगण में एक एक सप्ताह करके अलग अलग जगहों पे ध्यान किए हैं वो। ये उनका सिक्स्थ वीक ध्यान करने का जगह है। जब वो ध्यान अवस्था में लीन थे तो अचानक आंधी तूफान जब वर्षा आ गई, प्राकृतिक आपदा आ गए थे, तो नागराज मुचलिंद ने उनकी रक्षा की थी यहाँ पर। तो बर्मा देश का लोग 1984 में ये भगवान बुद्ध का मूर्ति बना के दिए, और ब्रिटिश के द्वारा 150 साल पहले ये तालाब का निर्माण किया गया था। ये वाटर लेवल से 15 फीट गहरा है, इसमें बहुत मछली भी है, मछली को लोग ब्रेड बिस्किट वगैरह डालते हैं तो बहुत मछली ऊपर आते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध का ये कहना था कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। इस तरफ आ गए यहाँ। यहीं पर वो प्रकृति के विपदा से मुचलिंद नागराज ने रक्षा की थी। बहुत से लोग यहाँ बैठ के साइड साइड में मेडिटेट भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पीस शांति बहुत है। यहाँ वाटर क्लीनिंग का मशीन लगा के रखा है। हाँ, इधर भी लगे हुए हैं मछली को ऑक्सीजन देने के लिए। ओके, ये थाईलैंड का राजा दिए हैं। ओके, ये मछली को ये भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलता रहे उसको। और इसका जो दिए उनका नाम भी यहाँ लिखे हुए हैं। ये भी जो बिल्डिंग है ये ब्रिटिश का निगम का बनाया हुआ है, क्योंकि इस टाइप का पिलर बिल्डिंग्स तो बनने बंद हो गए अभी। ब्रिटिश का है। ठीक है ठीक है ठीक है, उन्हें करने दीजिए, कोई बात नहीं। दस तो जाता ही है। ये क्या है? ये बहुत अच्छे टीचिंग्स भगवान बुद्ध का लिखे हुए हैं। यही सार है, यही सार है, यही उनका टीचिंग। जो कहता हूँ मानो,
विवश नहीं करते। बुद्ध ये थोड़े बोले जो कहता हूँ मानो, बुद्ध बोले कि आप उसको जांचो परखो तब। यही चीज वहाँ धर्मशाला के जो मेन मंदिर है, धर्मशाला नहीं है हिमाचल में, वहाँ भी मेन मंदिर तो यही दिखता है। ओके यहाँ पे कंटेनर्स अच्छा है सब। चलिए मैं आके फिर करता हूँ आराम से। यहाँ से सर लगभग ये क्या हो रहा है, सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए। अच्छी सजावट है देखिए, हाँ यहाँ से बोध गया से लगभग 2 किलोमीटर का दूरी पर सर सुजाता गढ़ है और सुजाता मंदिर। तो सुजाता गढ़ एक्सकवेटेड साइट है जो सुजाता का महल हुआ करता था। सुजाता नाम की एक लेडीज जो थे वो सिद्धार्थ को खीर दिए थे खाने के लिए। ओके जो सुजाता गढ़ से कुछ ही दूरी पर वो मंदिर है उनका सुजाता मंदिर, जहाँ पर एक वट वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ का प्रतिमा है भगवान बुद्ध का, सुजाता माँ का खीर देते हुए। ओके तो दैट इज द प्लेस वेयर ही गॉट द नॉलेज ऑफ मिडल पाथ। वहाँ पर उनको ये पता चला कि हम मेडिटेशन में जो इतना एक्सट्रीम जा रहे हैं ये अपने शरीर को हम कष्ट दे रहे हैं, कुछ खानी चाहिए। तब वो मिडल पाथ को फॉलो किए, वो खीर को ग्रहण किए, खीर खाए और खीर खाने के बाद वो निरंजना नदी को पार करके यहाँ आए और बोधि वृक्ष के नीचे बैठे वो पूरब की ओर मुख करके, और यहाँ उनको 528 BC में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो हे वीणा, उनको ये मिडल पाथ का ज्ञान ऐसे हुआ कि हे वीणा के वादक, वीणा के तार को इतना मत खींचो कि वो टूट जाए और इतना भी ढीला मत छोड़िए कि वो आवाज न दे पाए। ओके सो यानी आप गिटार का जो वायर है उसको ज्यादा टाइट करेंगे तो टूट जाएगा, और ढीला छोड़ेंगे तो आवाज ही नहीं आएगा। यदि हम उसको बीच में रखते हैं तो बहुत सुंदर आवाज आएंगे। दैट इज द मिडल पाथ। तब उनको लगा कि नहीं कुछ खाना चाहिए, तब वो खीर खाए और नदी को पार करके यहाँ आए निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे। उनको सिद्धार्थ को प्रसाद की प्राप्ति हुई। अभी हम लोग बोधि वृक्ष के पास में जा रहे हैं। इसके नीचे उनको अबाउट 2800 ईयर्स पहले यहाँ सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बने थे, और जिस वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई उस वृक्ष को सम्राट अशोक राजा की पत्नी ने कटवा दिया था। क्यों सम्राट मतलब अशोका की वाइफ ने कटवा क्यों दिया? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अशोका बुद्धिस्ट बन जाए या बौद्ध। ओके पेड़ को कटवा दिए थे और वो जल से फिर दूसरा पेड़ निकला जो शशांक के द्वारा काटा गया था, जो बंगाल का राजा था, और इस तरह से पेड़ यहाँ पे नष्ट होते चले गए। ये वर्तमान जो बोधि वृक्ष है ये 150 ईयर्स ओल्ड है। तो जब यहाँ पहला बोधि वृक्ष था तो अशोका का जो बेटा और बेटी थी ये महेंद्र और संघमित्रा, उन्होंने पहला बोधि वृक्ष का एक शाखा को लिया, उसको श्रीलंका अनुराधापुर में लगा दिए। पहला बोधि वृक्ष का शाखा श्रीलंका अनुराधापुर में लगे हुए हैं। लॉर्ड कनिंघम श्रीलंका अनुराधापुर गए, वहां से पहला वृक्ष का शाखा ला के यहाँ लगवा। तो ये बोधि वृक्ष जो है ये उसी का ये जनरेशन चलते आ रहा है। ये वर्तमान जो वृक्ष है ये 150 साल पुराना है, और ये जो बोधि वृक्ष है ये 4th जनरेशन का बोधि वृक्ष है। ओके तो तीसरा आंधी तूफान से नष्ट हुआ था, ये चौथी है।
ओके, तीसरा आंधी तूफान से नष्ट हो गया था, तो यहीं पर बैठे थे वो। पहला अशोका के वाइफ ने काटा, दूसरा बंगाल का राजा, बंगाल के राजा शशांक, थर्ड बाय नेचर, थर्ड बाय नेचर ये फोर्थ है। और ये देखिए, ओके, ये जो स्तूपा है ये गुप्ता पीरियड का है, गुप्ता पीरियड का स्तूपा है ये, लगभग इसका हो गया 1700 से 1800 साल पुराना स्तूपा है, 6 to 7 सेंचुरी एडी का है, गुप्ता एम्परर बनाया था इसको। ओके, इसमें देखिए भगवान बुद्ध का इमेजेस, क्योंकि आप जो भी स्तूप देखेंगे गुप्ता पीरियड का या पाल पीरियड का जो भी स्तूप आप देखेंगे, मौर्यन डायनेस्टी इज द 2nd to 3rd century BC, गुप्ता पीरियड इज द 6 to 7 century AD एंड पाल डायनेस्टी इज द 9 to 10 century AD। तो गुप्ता पीरियड और पाल पीरियड का जो भी बुद्ध का स्तूप देखेंगे आप, उसमें बुद्ध का इमेजेस मिल जाएगा आप। ओके, लेकिन मौर्यन पीरियड का जो भी स्तूप देखेंगे आप, उसमें कहीं पर बुद्ध का इमेजेस नहीं मिलेगा। तो ये जो स्तूप है ये गुप्ता पीरियड का है, इसमें देखिए भगवान बुद्ध का इमेजेस है। तो बौद्ध धर्म में कितने तरह का स्तूप होते हैं? बौद्ध धर्म में जो है वो 3 तरह का स्तूप होते हैं, 3 तरह का। एक होता है बौद्ध स्तूप, एक होता है चैत्य चैत्य, और एक होता है विहारा चैत्र विहारा। बौद्ध स्तूपा का डिफिनेशन ये होता है कि उसके अंदर में उन बुद्धिस्ट मॉन्क्स का पार्ट्स ऑफ बॉडी रखे जाते थे जो साधना करते करते एनलाइटेड हो जाते थे। Okay. का बाल, नाखून, दांत, अस्थि ये सब रखे स्तूप बनाए जाते थे बौद्ध स्तूप के। सेकेंड वन इज चैत्य, चैत्य उसको कहते हैं जो उनका वर्शिपिंग प्लेस होता है। एंड थर्ड वन इज विहारा, विहारा उसको मोनेस्ट्री कहते हैं, जहाँ बुद्धिस्ट मॉन्क्स लोग स्टे करते हैं उसको विहारा कहते हैं। ओके, हम लोग बोधि वृक्ष के बिल्कुल नजदीक आ गए। इसके पत्ते के लिए लोग यहाँ दिन दिन में बैठे रहते हैं कि हमको इसका एक पत्ता मिले। पत्ता गिर गया। ये उनका पैर का निशान। ओके, ओ वैसे हैं इसके दोनों पैर का निशान। अशोका ने बनवाया था, लगभग 2500 वर्ष पुराना है। अब किधर अशोका ने बनवाया था? हाँ, यही वो जगह है जहाँ बैठे थे वो सिद्धार्थ, वो जो अंदर में उस सिंहासन देख रहे हैं। सिंहासन, ओके, हाँ, सैंड स्टोन पत्थर का चबूतरा है जिसमें सोने का कलर किया हुआ है, ऊपर में जो भी गोल्डन कलर का लगा है सब बाद में उसको डेकोरेट किया गया है। सिर्फ वो सैंड स्टोन का चबूतरा वहाँ मिला था एक्सकवेशन में, जो 2nd to 3rd century BC में अशोका बनवाए थे। हेवेन सांग और फाहयान जो चाइनीज ट्रेवलर थे, क्या हेवेन सांग फाहयान, ओके, वाज द चाइनीज ट्रेवलर एंड स्टूडेंट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, स्टूडेंट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने अपने यात्रा वर्णन में, अपने डायरी में सारा कुछ उन्होंने लिखा था। तो ये जगह के बारे में भी उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि निरंजना नदी के तट पर ही वो जगह है जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कनिंघम को एक्सकवेशन में वो सैंडस्टोन का चबूतरा मिला। ओके, ये नीचे वाला, हाँ, जो सैंडस्टोन का, हाँ, उसको अभी के लिए तो कवर कर, तो हाँ, कवर करके, हाँ, और ये सब करके, हाँ, रखा है। ये जो है ये सुजाता है। ओके, सुजाता जो उनको खीर दिए थे खाने के लिए। ओके, मंदिर जो है यहाँ से आपको लगभग 2 किलोमीटर का दूरी पे निरंजना नदी के उस पार। ओके, Thank you.
चारों तरफ से सपोर्ट दिया गया ताकि डाली झुक करके गिर ना जाए, सपोर्ट दिया। हाँ, इसके ऊपर में वो देखिए जहाँ तो मेडिसिन लगाए गए, मेडिसिन का छिड़काव होते रहता है ताकि इस वृक्ष में कोई बीमारी ना पकड़े। थर्ड वीक ध्यान करने का जगह है चंग करमाला। थर्ड वीक, फर्स्ट वीक बोधि वृक्ष के नीचे, ये थर्ड वीक है चंग करमाला, जहाँ पे वो वॉकिंग मेडिटेशन करते थे। ओके, वो सिक्स वीक था जहाँ पे हम लोग वहाँ पे थे। थर्ड वीक में जब यहाँ पर वो वॉकिंग मेडिटेशन जब कर रहे थे भगवान बुद्ध, इस तरह से होता है वॉकिंग मेडिटेशन। वॉकिंग मेडिटेशन, वॉकिंग मेडिटेशन किए अपने पैर को, ये जहाँ जहाँ रखते थे वो उनको कमल दिखता था, लोटस। ओके, लोटस फ्लावर इज द सिंबल ऑफ नॉलेज, लोटस। यस, तो अशोका के द्वारा सेकेंड टू थर्ड सेंचुरी BC में ये सभी पत्थर पे कमल बनवाया गया जो उत्खनन से मिला है। ओके, ये जो पत्थर पे कमल बना है कनिंघम ने बनाया है। ओके, ये कनिंघम ने बनाए हैं, बनवाए हैं। और ये जो है ये सेकेंड टू थर्ड सेंचुरी BC का है। ओके, ये देखिए इसके लोटस बने हुए हैं। और ये सारे ही उन्होंने बनवाया कनिंघम ने, इसके ऊपर जो बने हुए हैं कनिंघम बनाया है ये अशोक। ओके, फोर्थ मेडिटेशन प्लेस भगवान बुद्ध का ये है। के फोर्थ मेडिटेशन प्लेस, उनको बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो एक सप्ताह भगवान बुद्ध यहाँ ध्यान किया, यहाँ पे उन्होंने चिंतन किया प्रतित्य समुत्पाद। प्रतित्य समुत्पाद का मतलब होता है कॉज एंड इफेक्ट। ओके, कॉज एंड इफेक्ट का वो चिंतन किया, डीपली कॉन्सेंट्रेशन अबाउट कॉज एंड इफेक्ट, क्या करने पे क्या होगा। और नजदीक से ले सकते Ah,
शरीर से लाइट निकले थे प्रकाश, जो पांच रंगों में थे। देखिए फाइव कलर, ये बुद्धिज्म का फ्लैग भी दिया हुआ है। ओके, ब्लू येलो रेड व्हाइट ऑरेंज, ये संकेत कर रहा है भगवान बुद्ध का जो फाइव टीचिंग्स उसको, फाइव कलर्स जो बिंदु से भगवान बुद्ध उपदेश दिए थे कि अच्छे जीवन जीने के लिए इंसान को पांच चीजों को त्याग देनी चाहिए। प्राणी हिंसा जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, कभी किसी को चीटिंग नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, नशा नहीं करना है और बैड थिंकिंग अपने मन में ले लेना है। ओके, व्हाट इज द दुख, व्हाट इज द रीजन ऑफ दुख, हाउ दुख केम, व्हाट यू विल डू देन दुख कैन बी फिनिश्ड। क्या दुख कैन बी फिनिश्ड? ओके, दुख। तो भगवान बुद्ध बोले कि द अननेसेसरी डिजायर्स एंड द अननेसेसरी अटैचमेंट्स इज द रीजन ऑफ दुख। आप देखेंगे कि भगवान बुद्ध एक एक सप्ताह करके सात जगह पर ध्यान किया ताकि मुझे उस जगह से अटैचमेंट ना हो। ओके, एंड सेकंड रीजन की द डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशन, ये भी एक कारण रहा जगह चेंज करना। वो बोर्ड का फोटो ले लिया? हाँ मैंने लिया। ये प्रतिमा को देखने के लिए अंदर चलेंगे। ओके, क्या अशोका गेट है ये? ओके, ये वाला, ये सेकंड टू थर्ड सेंचुरी बीसी में अशोका बनवाए थे, लेकिन जब एक्सकवेशन हुआ था तो ये पार्ट ओरिजिनल नहीं मिल पाया था कनिंघम को, तो ये इतना नया लगाया गया। ओके, बाकी पार्ट ओरिजिनल है। और ये देखिए, ये सब इनकी खंडित जो मूर्ति मिला है ना वो है। क्या है? भगवान बुद्ध का ब्रोकन जो स्टैचू मिला है। ओके, वो रखा हुआ, उनको उन्होंने अटैच करके एक पर बनाया। ओके, वो उसके ऊपर थे टॉप पार्ट ऑफ द टेंपल, यहाँ पे देखिए। वो इसके ऊपर के आप बोल रहे हैं?
अष्ट धातु का घंटा है, अष्ट धातु का। ओमकार मंत्र इस पे क्या लिखा है? ओम पानी पद्म ओम। सेकंड वीक उनका ध्यान का जगह ये है, यहाँ से वो खड़े होकर बोधि वृक्ष पेड़ को देखा करते थे। ओके, यहाँ से वो जो इधर मंदिर के पीछे जो बोधि वृक्ष बोधि वृक्ष है। और फिफ्थ मेडिटेशन प्लेस ये है, तो ये जो पिलर है यहाँ वट वृक्ष था जो आंधी तूफान बारिश से खत्म हो गया, तो उस वट वृक्ष के याद में अशोका ने ये स्तंभ बनवाया। फिफ्थ मेडिटेशन प्लेस है उनका भगवान बुद्ध का। सेकेंड वीक ये उसमें तो ये स्तूपा नहीं था। हाँ, वही मैंने बोला यहाँ से सीधा मंदिर के पीछे वो दिखता है। सिद्धार्थ की माता जी है महामाया। उनका नाम क्या बताया आपने? महामाया देवी। महामाया देवी। और सिद्धार्थ के पिताजी का नाम था महाराज सुतोम। सिद्धार्थ की पत्नी का नाम था यशोधरा देवी और सिद्धार्थ का पुत्र का नाम राहुल। जस्ट एक मिनट, अंदर एक लाइट है। मैं वही सोचूं लाइट कहाँ जा रहा है। सेकंड वीक ये अशोका ने, ये भी अशोका बनाए थे। इमेजिनरी है ये, इमेज जो वहां पे भी रखे हुए थे। ओके, ये ओरिजिनल है। लॉर्ड पेनिंगम ने एक पिरामिड हाउस बना के
ये उनका लुम्बिनी वन जहाँ जन्म हुआ था वो सारनाथ जहाँ पहला उपदेश दिए थे। कौन सा आपने लुम्बिनी बोला? ये लुम्बिनी वन नेपाल का जन्म हुआ, ये सारनाथ, ये कुशीनगर, ये मोदी जी, ये सिद्धार्थ के माता जी महामाया देवी। ओके, इसलिए कुशीनगर में वो सोते हुए हैं। हाँ, रिक्लाइनिंग रिक्लाइनिंग। मैंने अजंता में भी देखा रिक्लाइनिंग वाला। ओके, ये भी उसी टाइम का ही है जो बोध गया में जो शंकराचार्य का मठ है उनके द्वारा शिवलिंग का स्थापना हुई है। तो ये महाबोधि मंदिर का जो ट्रस्ट है, जो समिति है, उसमें चार हिंदू सदस्य होते हैं, चार बॉस। ओके, और गया का डीएम साहब इसका चेयरमैन होते हैं। कौन? गया का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, महाबोधि टेम्पल ट्रस्ट का चेयरमैन होते हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और टेम्पल का जो एक्ट बना हुआ है वो 1949 का बना हुआ है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए थे, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, ये सब भगवान बुद्ध का ही प्रतिमा है जो पाल डायनेस्टी का है, 1000 साल पुरानी मूर्ति है, काले पत्थर का था, सोने का पॉलिश किए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट मुद्रास इसमें आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध का। जैसे ये जो मुद्रा है इसको बोलते हैं टीचिंग पोस्चर। ओके, ये टीचिंग पोस्चर, टीचिंग पोस्चर। और ये जो मुद्रा है इसको बोलते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि को स्पर्श कर रहे हैं वो। ओके, ये जो मुद्रा है इसको बोलते हैं ध्यान मुद्रा, मेडिटेशन पोस्चर। ओके, और ये जो मुद्रा आप देखते हैं वो इसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। इस मुद्रा में उनका उसी नगर में महापरिनिर्वाण हुआ था। और इस तरह का जो भगवान बुद्ध का जो मुद्रा आप वहाँ पे, हाँ, सबसे आखिरी वाला, तो जब सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बन गए थे, जब वो सारनाथ गए पहला उपदेश देने के लिए, तो 5 लोग जो बहुत भिक्षु बनने जा रहे थे, उन्होंने पूछा हु इज योर विटनेस और आई कैन अंडरस्टैंड यू आर द एनलाइटेड पर्सन। तो बुद्ध ऐसा कि हमारे ज्ञान प्राप्ति का पहला साक्षी तो धरती माँ है, और दूसरा स्वयं मैं, कि भगवान ने उनको टीचिंग्स की। सातवां सप्ताह जो भगवान बुद्ध ध्यान किए ज्ञान प्राप्ति के बाद, वो यहाँ पे राजा यतन, एक काइंड ऑफ फॉरेस्ट्री, यहाँ पे राजा यतन नाम का एक जंगल हुआ करता था, और उसी में एक राजा यतन नाम का वृक्ष भी था जो खत्म हो गया वृक्ष, इस तरह का, इसी पेड़ को राजा यतन कहते हैं। ये पेड़ बर्मा में पाए जाते हैं, ये वहाँ से ला के उसका शाखा यहाँ लगाया गया है। ओके, और जब भगवान बुद्ध यहाँ सातवां सप्ताह ध्यान में व्यतीत कर रहे थे, तो यहाँ पर 2 व्यापारी तपुसा भालिका ने उनको खाने के लिए राइस, चपाती, हनी उनको ऑफर किया, और उन्होंने वो 2 लाइन्स का मंत्र बोला, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि। बुद्धम शरणं गच्छामि का मतलब होता है हिज नॉलेज, धम्मम शरणं गच्छामि का मतलब होता है हिज टीचिंग, और संघम शरणं गच्छामि का मतलब होता है संघा। तो जो संघ बना वो सारनाथ। तो बुद्ध को ये लगा कि व्यापारी को मैं क्या दूँ, क्योंकि उनके पास तो कुछ था नहीं, तो उन्होंने अपने सर का
दो बाल दो नाखून भगवान बुद्ध उनको डोनेट किए। तो दोनों बिजनेसमैन यहाँ से बर्मा गए म्यांमार और वहाँ जाके बुद्धिज्म को स्प्रेड किया। तो भगवान बुद्ध का हेयर्स और नेल्स रखा हुआ है गोल्डन पैगोडा यंगून सिटी म्यांमार में, और भगवान बुद्ध का जो टूथ रेलिक टेम्पल है वो श्रीलंका में है। जगह का नाम टूथ रेलिक टेम्पल, ओके, वो जगह का नाम है कैंडी, ओके, यहाँ पे उनका दांत रखे हुए हैं। एक मिनट, ये लोग क्या पूरे रात यहाँ पे रहते हैं क्या? नहीं सर, ये रात को 9 बजे मंदिर बंद हो जाता है, 9 बजे के पहले अपने अपने सब होटल में चले जाते हैं जहाँ ये स्टे करते हैं। ओके, यहाँ पे वो आते हैं मेडिटेशन के लिए, वो नेट के अंदर इसलिए बैठ कर ध्यान करते हैं ताकि मॉस्किटो वगैरह। हाँ, जो आपने बेसिकली कहा था कि अगर हम ज्यादा खींचेंगे तो ये होगा। हाँ, तो इससे अच्छा मैं ध्यान लगाऊं। हाँ, मच्छरों से क्यों परेशान रहूं? मतलब हाँ, मतलब मैं पूरा ध्यान अपना पूजा में लगाऊं ना। हाँ, मच्छर काट रहे हैं, ये काट रहे हैं, उस पर ध्यान जाने से अच्छा पूरा ध्यान पूजा में लगाऊं। क्या होगा कि मॉस्किटो ध्यान में है, काट लिया तो ध्यान भंग होगा, समझा? मैं जो आपने बेसिकली समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, मिडल पाथ, मिडल पाथ, मिडल पाथ। ये अलाउड है? Thank you.